हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पतेड़ की रेसिपी। ये अरबी के पत्तों से बनाई जाती है। आप सभी ने कभी ना कभी तो ये सब्जी ज़रूर खाई होगी। तो मैं आ गई हूँ खेत में अरबी के पत्ते लेने। यहाँ मेरी मम्मी अरबी के पत्ते तोड़ के ला रही हैं। तो चलिए आज बनाते हैं पतेड़। इसके लिए सबसे पहले हमने प्याज और लहसुन को छोटा छोटा काट लिया, फिर उसे मिक्सर में पीसने के लिए डाल दिया। हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे और इसमें ऐड करी मैंने 4-5 हरी मिर्च। अब एक थाली में लिया है मैंने थोड़ा सा बेसन, जितने मुझे पतेड़ बनाने थे मैंने उसके हिसाब से लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो, और थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसे अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लीजिए। ढंग से मिक्स करिए जब तक ये पूरा सही से मिक्स ना हो जाए। अब मैंने लिया है अरबी का पत्ता। अब इसमें लगाएंगे हम बेसन का पेस्ट जो हमने भी बनाया था। अब इसके ऊपर अब हम एक दूसरा पत्ता रखेंगे और उस पर भी वही पेस्ट लगाएंगे बेसन वाला, और इसे दोनों साइड से मोड़ देंगे और उसमें बेसन का पेस्ट लगाएंगे। अब इसे नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा बेसन लगा के इसको चिपका देंगे। सो हमने ये 4 पतेड़ तैयार कर लिए हैं। फिर हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है गैस पे। इसके बाद हम जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें उन पतेड़ को एक एक करके रखते जाएंगे। एक एक करके हमने सारे पतेड़ इसमें रख दिए हैं। और अब इनको पकने के लिए ढक के रख देंगे। अब हम इसको दूसरी साइड पलट देंगे जिससे दूसरी साइड भी ढंग से सिक जाए। सभी को दूसरी तरफ से सिकने के लिए पलट देंगे। सो ये हो गए हमारे पतेड़ रेडी। अब इन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आपके यहाँ इस सब्जी को क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।